नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीजी मोरे आज आपको पूरे सीकर जिले का इतिहास के बारे में बताऊंगा। सीकर जिला भारत के राजस्थान प्रांत का एक जिला है। यह जिला शेखावाटी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण शहर है और यह अपनी कला संस्कृति और पधारो हमारे देश के रवैये के लिए मशहूर है। रियासतों के समय सीकर ठिकाना जयपुर रियासत का ही हिस्सा था। इसकी नींव 1687 ईस्वी में राव दौलत सिंह ने रखी थी, जहां पर आज सीकर का किला बना हुआ है। सीकर शहर के अंतिम शासक राव राजा कल्याण सिंह थे, जिनके नाम पर कई पैलेसेज बने हुए हैं, जैसे कि श्री कल्याण सर्किल सीकर, श्री कल्याण चिकित्सालय सीकर, श्री कल्याण कॉलेज सीकर। इस क्षेत्र ने देश को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सैन्य अधिकारियों के अलावा अनेक बिजनेस हस्तियां भी प्रदान की। भारत के उपराष्ट्रपति नेहरू सिंह जी शेखावत और भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल, वो भी राजस्थान के लोसल कस्बे की बहू थी। और वहीं बजाज परिवार, गोयनका परिवार और बिरला परिवार भी राजस्थान के इसी क्षेत्र से है। 1857 की क्रांति के समय जन चेतना जगाने वाले डूमजी जवाहर जी भी राजस्थान के सीकर जिले से ही थे। और यह कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे ने भी सीकर में आकर ही शरण ली थी। सीकर शहर के मुख्य दर्शनीय स्थलों में हर्षनाथ नेहरू मंदिर, जीन माता मंदिर, साईं बाबा मंदिर मुंडवाड़ा, खाटू श्याम जी मंदिर आदि प्रसिद्ध स्थल है। और मैं आपका भाई सीजी मोरे भी सीकर जिले के धोद कस्बे का रहने वाला। इस शहर में 7 दरवाजे स्थित हैं, जिनके नाम है चांदपोल गेट, सूरजपोल गेट, फतेहपुरी गेट, नानी गेट, बावड़ी गेट और दुजोद गेट नया एंड दुजोद गेट पुराना। और चांदपोल गेट और सूरजपोल गेट के मध्य स्थित है घंटाघर। इसकी ऊंचाई 85 फीट है। इसका निर्माण 1967 ईस्वी में युवराज हरदयाल सिंह की स्मृति में राव रानी स्वरूप कौर ने बनवाया था। और घंटाघर का निर्माण सीकर और फतेहपुर के कारीगरों ने बनाया था। और सीकर को 1 नवंबर 1956 को आज़ादी के बाद एक नए जिले के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। तो आपको सीकर का इतिहास जानकर कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि आपका भाई अलग अलग जिलों की और वीडियो बना सके। धन्यवाद।